हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें एक काफी बड़ा शॉकिंग मोमेंट देखने को मिला था, जब रोमन रेंस पर ड्रू मैकएंटायर एंड शेन विकमैन काफी बुरी तरह से अटैक कर रहे होते, तभी वहां पर आते उन्हें बचाने डी डेड मैन अंडरटेकर, जिसके बाद एक टैग टीम मैच भी कन्फर्म हो चुका है एक्सट्रीम रूल्स के लिए रोमन रेंस एंड अंडरटेकर वर्सेज शेन विकमैन एंड ड्रू मैकएंटायर के बीच। बट बात करें कि अब आगे या कहे नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में हमें इन चारों के बीच क्या कुछ देखने को मिल सकता है, तो गाइस उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आखिर क्यों सेथ रॉलिंस जॉन मॉसली के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में हुए जापान के टोक्यो के लाइव इवेंट में जब ट्रिपल एच ने ज्वाइन किया दी क्लब को, तब क्या कुछ हुआ, तो गाइस इन सब अपडेट्स में हम सबसे पहले टोक्यो के लाइव इवेंट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो गाइस आप सबको बता दूं कि इस लाइव इवेंट में हमें कई सारे मैचेस देखने को मिले, बट तीन सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस जो थे उसमें से पहला मैच था एक एट मैन टैग टीम मैच दी क्लब, यानी कि एजे स्टाइल्स, कार्ल एंडरसन एंड लुक गैलोज एंड ट्रिपल एच वर्सेस बैरन कॉर्बिन, समोआ जो, बॉबी लेस्ली एंड ड्रू मैकएंटायर के बीच। अब बात करें इस मैच के रिजल्ट की, तो गाइस इस मैच में ट्रिपल एच ने बैरन कॉर्बिन पर पेडरी लगाकर उन्हें पिन कर इस मैच में अपनी टीम को जिता दिया, जिसके बाद नंबर वन कंटेंडर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बन चुकी है कैरी सेंड एंड आस्का, जब उन्होंने इस लाइव इवेंट में दी आइकॉनिक्स को हरा दिया। इसलिए कह सकते हैं कि पॉसिबली हमें आने वाले टाइम में टाइटल चेंज भी देखने को मिल सकता है। जिसके बाद इस शो का मेन इवेंट था जो कि था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच। अब इस मैच में शिंसुके नाकामुरा को मेन इवेंट में इसलिए डाला गया क्योंकि ये था उनका होम टाउन। बट बात करें इस मैच के रिजल्ट की, तो गाइस इस मैच में सेथ रॉलिंस ने शिंसुके नाकामुरा को कर्व स्टॉर्म लगाकर पिन कर इस मैच को जीत लिया और रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप। और मैच के बाद नाकामुरा ने रिस्पेक्ट शो किया सेथ रॉलिंस को, और आप सबको बता दूं कि इस मैच को टोक्यो के क्राउड ने काफी ज्यादा पसंद किया। इसलिए हम सब यही होप करते हैं कि अब मेन रोस्टर पर भी शिंसुके नाकामुरा को मेन इवेंट लेवल वाला पुश मिले, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। तो गाइस ये तो थी टोक्यो में हुए लाइव इवेंट से रिलेटेड अपडेट। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है कि आखिर क्यों सेथ रॉलिंस जॉन मॉक्सली के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे। तो गाइस आप सबने गौर किया होगा कि हाल ही में सेथ रॉलिंस ने जॉन मॉक्सली के बारे में कई सारी चीजें कही थी कि उन्हें ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। बट आप सबको बता दूं कि ये सारी चीजें वो खुद से नहीं करे, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी है कि विंस मैकमैन सेथ रॉलिंस को फोर्स करे जॉन मॉक्सली के बारे में बातें करने के लिए। इसी के साथ साथ आप सबको एक और अपडेट दे दूं जो कि जुड़ी है WWE से, कि अब रॉ एंड स्मैकडाउन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके पॉल हेमन एंड एरिक बिशॉप, जहां पर पॉल हेमन है रॉ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड स्मैकडाउन के है एरिक बिशॉप। अब इन दोनों के पास तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। अब आप सबको बता दूं कि फाइनल डिसीजन तो विंस मैकमैन ही लेंगे, बट जितने भी क्रिएटिव प्लान्स होंगे सारे के सारे यही दोनों मैनेज करेंगे। और अगर सिंपल भाषा में कहें तो जिस तरह NXT को संभाल रहे ट्रिपल एच, उसी तरह रॉ को संभालेंगे पॉल हेमन और स्मैकडाउन को एरिक बिशॉप। इसलिए अब देखना होगा कि इन दोनों के आने के बाद अब WWE में क्या कुछ चेंजेस आते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि जुड़ी है नेक्स्ट रॉ से। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं, अंडरटेकर ने पिछले रॉ के एपिसोड में बचाया था रोमन रेंस को। बट अब बात करें कि अब आगे या कहे नेक्स्ट रॉ में हमें रोमन रेंस के साथ क्या कुछ चीजें होते हुए दिख सकती है, तो गाइस पॉसिबली हमें रोमन रेंस इन्हीं तीन रोल में से कोई एक रोल प्ले करते हुए दिख सकते हैं। तो गाइस बात करें सबसे पहले की, तो सबसे पहला है कि हमें रोमन रेंस सिंपली अपने अटैक का बदला लेते हुए दिखे ड्रू मैकएंटायर एंड शेन विकमैन से, या फिर शेन विकमैन एंड ड्रू मैकएंटायर फिर से रोमन रेंस पर भारी पड़े, जो कि हम सब पिछले कुछ महीनों में ऐसा कुछ देखते ही आ रहे। अब बात करें दूसरे रोल के बारे में, तो गाइस दूसरा रोल ये है कि हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिले रोमन रेंस एंड द मिज वर्सेस शेन विकमैन एंड ड्रू मैकएंटायर के बीच, क्योंकि हम सब जानते हैं द मिज की भी फ्यूड चल रही है शेन विकमैन की टीम के साथ। इसलिए हो सकता है कि इस मैच में हमें रोमन रेंस की टीम की हार देखने को मिले, जहां पर ड्रू मैकएंटायर या फिर शेन विकमैन द मिज को पिन करे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब जानते हैं अगर इस मैच में रोमन रेंस की टीम की जीत होती है तो सभी लोग ये श्योर हो जाएंगे कि जब एक्सट्रीम रूल्स में मिज की जगह अंडरटेकर टीम अप करेंगे रोमन रेंस के साथ, तब डेफिनेटली इस मैच में शेन विकमैन एंड ड्रू मैकएंटायर की हारी होगी। बट अगर इस मैच में शेन एंड ड्रू जीत जाते तो वो एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि वो ऐसा कुछ एक्सट्रीम रूल्स में भी कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करें नंबर थ्री की, तो नंबर थ्री पर यह है कि जब अंडरटेकर पर अटैक कर रहे होंगे शेन विकमैन एंड ड्रू मैकएंटायर, तभी वहां पर उन्हें बचाने आए रोमन रेंस। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप सबको बता दूं कि ऐसी रूमर भी आई थी कि एक्सट्रीम रूल्स से पहले की किसी रॉ में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल भी सकता है। अब एक्सट्रीम रूल्स के रास्ते में तो सिर्फ दो ही रॉ है, एक नेक्स्ट रॉ और उसके बाद की, या कहे एक्सट्रीम रूल्स से पहले की रॉ। बट पॉसिबिलिटी ज्यादा यही है कि हमें एक्सट्रीम रूल्स से पहले की रॉ में ही ये चीज देखने को मिलेगी। बट अगर अंडरटेकर नेक्स्ट रॉ में हमें देखने को मिलेंगे तो पॉसिबली हमें ये चीज भी होते हुए दिख सकती है। लेकिन गाइस आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सबको क्या लगता है एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस एंड अंडरटेकर वर्सेस ड्रू मैकएंटायर एंड शेन विकमैन के मैच में किसकी जीत होने वाली है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक
कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।